रोमन रेंज के एब्सेंस ने डाला डब्ल्यूडब्ल्यूई को मुश्किल में। EC3 का होने जा रहा है इंपैक्ट रेसलिंग में रिटर्न। रॉ की व्यूअरशिप आई है सामने और रैंडी वर्सेस ऐसा 8-स्टार मैच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप एच जी। गाइस आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। इसके अंदर हम 7 से 8 से 9 बड़े टॉपिक कवर करेंगे, तो होप करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सीधे जाना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प दे रखी है मैंने दोस्तों अपने डिस्क्रिप्शन में, आप सीधे दोस्तों उसके ऊपर स्किप करके जा सकते हैं। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो जो रॉ दोस्तों हमने हाल ही में देखी उसकी व्यूअरशिप आ चुकी है सामने और आंकड़े दोस्तों काफी खुश करने वाले हैं। तो आप जानते हैं काफी समय से मंडे नाइट रॉ स्ट्रगल कर रही थी और व्यूअरशिप दोस्तों काफी ऊपर नीचे आ रही थी, लेकिन इस हफ्ते ये बढ़कर हो चुकी है 1.94 मिलियन। लास्ट वीक मापी गई थी दोस्तों 1.73 मिलियन, तो इजाफा आया है। और कहना पड़ेगा जो दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इस हफ्ते चेंजेस लाए, जो दोस्तों हमें तरह तरह के सरप्राइजेस जैसे कि डोमिनिका सैद के ऊपर अटैक, उसके बाद लाना और लैशली का डेवोस सेगमेंट और दोस्तों वही मेन इवेंट की बात की जाए, सब कुछ मजेदार था जिसका प्रभाव सीधे सीधे व्यूअरशिप पर पड़ा है और काफी बेहतर दोस्तों इस बारी रॉ कर गई। लेकिन अब हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो गाइस ये हमारी मंडे नाइट रॉ से ही जुड़ी हुई है। दरअसल इस बारी की रॉ के अंदर हमें ऑडियंस देखने को मिली है, तो अगर आपने गौर नहीं किया होगा तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस बारी की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों ऑडियंस थी। डब्ल्यू वालों ने इसे स्वीकारते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया, वो बोले कि हमने फैंस को वापस लाने का इनिशिएटिव चालू कर दिया है। इस बीती मंडे नाइट रॉ में हमने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया था जो कि ज़्यादातर फ्रेंड्स ही थे और जो लोग थे उन्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं थी, हमने उन्हें हिदायत नहीं दे रखी थी। हाँ, उनका इससे पहले कोरोना का टेस्ट ज़रूर हुआ था और उसके बाद ही उन्हें एरिना में आने का मौका मिला। साथ ही साथ उन्हें हिदायत इस चीज़ की भी दी गई थी कि सारे लोग एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर रहेंगे। तो ऑडियंस आना चालू हो चुकी है, काफ़ी पॉजिटिव साइन है दोस्तों। इससे पता चलता है कि डब्ल्यू वाले जल्द हमें और भी फैंस ज़्यादा से ज़्यादा लेते आते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आप इससे अगली स्टोरी सुनेंगे तो आपको शायद डब्ल्यू पर गुस्सा आ जाएगा। तो गाइज कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया डब्ल्यू के अंदर, तो आप जानते हैं जहाँ डब्ल्यू धीरे धीरे करके ऑडियंस को लाने की कोशिश करी है। आज डब्ल्यू के एक और पोल सामने खुली है। दरअसल बताया जा रहा है कि आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि लगभग 9 जून को डब्ल्यू वालों ने एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को पाया है जो कि उन्हीं का रेसलर है। दरअसल ये एक ट्रेनी बताया जा रहा है, यानी कि एक न्यू कमर है, नया रेसलर है और ये तैयार हो रहा था डब्ल्यू के परफॉर्मेंस सेंटर में, लेकिन जब पता चला कि इसे कोरोना हो चुका है तो इसे वापस ले जाया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद जितने भी लोग हैं वहां के उनके टेस्ट में कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं, सब कुछ ठीक है। तो जहां दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू ऑडियंस ला रही है, वहीं दोस्तों कोरोना के केसेस भी निकल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब इस पर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू अपने फैंस को एरिनाज में वापस लाकर सही करी है फिर गलत, जो बताएगा। हम चलते हैं दोस्तों इसे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो भाई इससे अगली स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जुड़ी दोस्तों नेक्सिस के रिटर्न से। तो नेक्सिस के रिटर्न को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दरअसल इससे पहले डैरन यंग जो है ये चीज़ बोले थे कि साल रेसलमेनिया 36 में नेक्सिस का रिटर्न होना था, जहां नेक्सिस की 10वीं वर्षगांठ पर हमें लौटाया जाना था, हमारा रिटर्न कराया जाना था। लेकिन इस पर दोस्तों वेड बैरेट का रिएक्शन आ चुका है। वेड बैरेट ने ये चीज़ स्वीकारी कि हाँ ये सत्य है, लेकिन उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को मना कर दिया। तो वेड बैरेट ये चीज़ बोले कि जनवरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेरे पास ऑफर आया था, वो मुझे फिर से चाहते थे अपनी कंपनी के अंदर और ये चीज़ बताई जा रही थी कि वो हमारी वर्षगांठ मनाने वाले हैं रेसलमेनिया 36 में, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। इसके अलावा कोई और प्लान होता तो शायद मैं फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन भी कर लेता, लेकिन मुझे आइडिया ही इंटरेस्टिंग नहीं लगा और मैंने सीधा कह दिया कि मैं नहीं लौटने वाला। तो वेड बैरेट ने दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा किया है। वेड बैरेट यानी कि बैड न्यूज़ बैरेट एक ऐसे रेसलर थे जो कि काफ़ी ओवर हो गए थे कुछ समय पहले, लेकिन उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो उनकी खटपट हुई उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया, उसके बाद वो चले गए इंग्लैंड। अब दोस्तों लौटना ही नहीं चाहते हैं और उन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो नेक्सिस दोस्तों अगर आगे जाकर जुड़ती भी है तब भी उसका लीडर नहीं आएगा। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों EC3 के रिटर्न से। तो EC3 जो कि काफ़ी समय से हमें सोशल मीडिया के ऊपर टीसर गिराते हुए नजर आ रहे थे, वो फाइनली इंपैक्ट रेसलिंग में जाने वाले हैं और ये खबर दोस्तों 100% पुख्ता है। तो हुआ क्या कि हाल ही में इंपैक्ट रेसलिंग का एपिसोड आया
जिसके अंदर दोस्तों मूज अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। टीएनए वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि इंपैक्ट रेसलिंग का जो मेन टाइटल है उसे डिफेंड कर जाते हैं और उसके बाद उन्हें धुन सुनाई देती है यानी कि थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है। इसी तरीका वो काफ़ी चौंक जाते हैं और ये चीज़ देखने को मिलती है, इधर उधर देखने लगते हैं, रेफरी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है और उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होना बंद हो जाता है। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि अभी वो 90-day नॉन कम्पीट क्लॉज में, जिसके चलते इम्पैक्ट रेसलिंग में अपियर नहीं हो पाए, लेकिन वो जल्द होंगे। स्लैमवर्सरी के दौरान दोस्तों उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट है जो कि WWE के साथ था वो हो जाएगा ब्रीच और फिर वो हमें स्लैमवर्सरी में अपियर होते हुए नजर आएंगे। तो EC3 जो कि दोस्तों WWE को छोड़ चुके हैं अब हमें इंपैक्ट रेसलिंग की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे और इंपैक्ट रेसलिंग के फैंस के लिए काफ़ी बढ़िया खबर है। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों बाबा रे डड्डी से, जिन्होंने बता दिया एक रैंडी वर्सेस एज था एक 8-star मैच। तो आप जानते हैं बाबा रे जो कि WWE के काफ़ी बढ़िया रेसलर रहे हैं, टीम 3D के मेंबर रहे हैं और उन्होंने दोस्तों एक ऐसी चीज़ कह दी जो कि कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकती है और काफ़ी खुश भी कर सकती है कुछ लोगों को। तो कंट्रोवर्सी उन लोगों के लिए जिन्हें ये मैच बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और दोस्तों खुशी उन लोगों के लिए जिन्हें मैच बहुत पसंद आया यानी कि रैंडी वर्सेस एज जो कि बैकलैश में देखने को मिला था। तो क्या बोले बाबा ये चीज़ बोले कि देखो मैच मुझे बहुत बेहतरीन लगा, इसकी बुरी चीज़ यही थी कि इसे मेन इवेंट में डाला गया था। उनके अनुसार मेन इवेंट में जो मैच होना चाहिए था वो ड्रू मैकइंटायर का होना चाहिए था क्योंकि वर्ल्ड टाइटल के लिए था, लेकिन इस मैच पर उन्हें काफ़ी मज़ा आया है और ये चीज़ बोले कि देखो एज और रैंडी ने 100% दिया, परफॉर्मेंस A1 थी और उनके हिसाब से ये 8-star मैच है, इसे 5-6 star नहीं देंगे वो 8-star देंगे, ये काफ़ी ग्रेट मैच था। और बाबा रे ने इसके लिए WWE को शुभकामनाएं भी भेजी है कि उन्होंने इस तरीके का मैच यहाँ बनाकर हमें दिया। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे भी काफ़ी बेहतरीन मैच लगा है, लेकिन रही बात 8-star की तो 8-star तो दोस्तों मैं इसे नहीं देने वाला। वेल आप कितने स्टार देंगे इसे 10 में से कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं दूंगा इसे दोस्तों 7-star। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक नए स्टेबल से। तो जहां मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें मसीहा गैंग देखने को मिल रही है उसकी विपरीत दोस्तों एक और गैंग का निर्माण जल्द होने जा रहा है। दरअसल आपने हाल ही के मंडे नाइट रॉ में देखा होगा कि कैसे MVP बात करते हैं अपोलो से बैक स्टेज, उन्हें मैनेज करने की वो बात करते हैं जिस पर अपोलो हम ही नहीं बढ़ते वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब अपोलो का मैच होता है शेल्टन बेंजामिन के खिलाफ तो गाइस वहां वो रोप्स का सहारा लेते हैं उनकी पिन करने में। बताया जा रहा है कि ये कोई संयोग नहीं है, जल्द आपको अपोलो का हील टर्न देखने को मिलेगा और फिर वो ज्वाइन कर लेंगे MVP और लैशली को। अगर दोस्तों ये चीज़ होने वाली है तो काफ़ी ह्यूज है। अब देखते हैं दोस्तों WWE का क्या प्लान रहता है, लेकिन अब हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों एंजल गार्जा से, जिन पर आ चुका है विंस मैकमैन का दिल। तो आप जानते हैं एंजल गार्जा को इससे पहले एडी गेरेरो से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा था, हालांकि दोस्तों एंजल के अनुसार वो इंस्पायर नहीं है एडी गेरेरो से, लेकिन विंस मैकमैन का मानना भी यही है कि कहीं ना कहीं वो एडी गेरेरो की एक प्रतिमा है। तो हाल ही में दोस्तों बताया जा रहा है कि जो विंस मैकमैन है एंजल गार्जा को आगे जाकर बढ़िया पुश दे सकते हैं क्योंकि विंस मैकमैन को उनमें यंग एडी गेरेरो दिखते हैं। तो एंजल गार्जा के फैंस हो जाइए खुश। हम चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस ने दे दी है WWE को परेशानी। तो आप सोचेंगे कि रोमन रेंस WWE के अंदर तो है ही नहीं, तो परेशानी कैसी? तो गाइस आप जानते हैं रोमन रेंस अभी WWE से गायब है, जिसके पीछे का रीजन ये है कि वो कोरोना वायरस के मध्य यानी कि जो है पैंडेमिक फैल रखा है इसके मध्य कम्पीट नहीं करना चाहते, रिस्क पर वो खुद की लाइफ को नहीं लाना चाहते। अब ऐसे में दोस्तों खबर निकल कर ये भी सामने आ रही है कि जो बाकी के सुपरस्टार्स हैं यानी कि WWE के जो सुपरस्टार्स हैं वो भी एक लीव चाहते हैं, वो भी छुट्टी चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी डर लगा हुआ है कोरोना का। और यहाँ दोस्तों मैंने आपको बताया भी वीडियो के अंदर कि एक पेशेंट हाल ही में निकला है जो कि WWE का एक रेसलर है, न्यू कमर है। तो ऐसे में दोस्तों अब रेसलर्स ये नाम लेकर यानी कि रोमन रेंस और सेमी जेन का बहाना टकाकर लीव्स देना चालू हो चुके हैं, यानी कि उन्हें भी छुट्टियां चाहिए और आगे जाकर हमें कई सुपरस्टार्स घर पर बैठते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो रिंग साइड न्यूज वालों की माने तो कई WWE के रेसलर्स ऐसे हैं जो कि बैक स्टेज काफी नाखुश है, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है क्योंकि वो इस सिचुएशन में रेसल नहीं करना चाहते हैं, परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं और अब वो घर पर बैठना चाहते हैं। और वो दोस्तों तर्क दे रहे हैं कि रोमन रेंस जो है वो अभी घर पर बैठा हुआ है तो ऐसे में उन्हें क्यों परफॉर्म करने की जरूरत है। ये कुछ ऐसा ही सिनारियो है जैसे कि दोस्तों हम स्कूल्स में मास बंक मारा करते थे और जब टीचर पूछता था कि भाई तू क्यों नहीं आया था, हम कहते थे कि ये भी तो नहीं आया था। तो यही सिचुएशन है दोस्तों कि अब रेसलर्स
रोमन रेंस का बहाना लगाने लगा और कुछ ऐसा ही रहता है वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल हो जाएगी। अभी वैसे भी दोस्तों कई रेसलर्स ऐसे हैं जो कि हमें परफॉर्म करते हुए मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के अंदर नहीं दिखाई दे रहे, और अगर ऐसा ही चलता रहता है तो कई रेसलर्स ऐसे रहेंगे जो कि फिर आगे जाकर घर पर बैठ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वहीं बात की जाए दोस्तों बिग डॉग के रिटर्न की, तो रिटर्न के ऊपर कोई टाइमलाइन तो सामने नहीं आई, लेकिन माना ये जा रहा है कि जैसे जैसे लोग आने स्टार्ट होंगे एरिना में, जैसे जैसे दोस्तों एरिना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दोस्तों रोमन रेंस के भी रिटर्न के चांसेस बढ़ते जाएंगे। बट गाइस आज की वीडियो इतनी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।